तो कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानो, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक एक्साइटिंग सा वीडियो लेकर। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट पीवीपी प्लेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो मैं आज आपको जितने भी प्लेयर्स बताने वाला हूँ उन प्लेयर्स की पीवीपी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो किसी भी प्लेयर को आराम से माइनक्राफ्ट में बीट कर सकते हैं। सो आखिर वो कौन सा प्लेयर है जो कि नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करता है, उसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको 300 लाख का लाइक गेम दिया था जिसे आपने बहुत इजीली कंप्लीट करा दिया था। सो मैं आज की वीडियो में आपको 400 लाख का लाइक गेम देने वाला हूं। सो प्लीज इसे कंप्लीट करा देना। बिना आपका टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो जो बंदा नंबर 5 की पोजीशन डिजर्व करता है वो है लिविंग लेजेंड। देखो लिविंग लेजेंड बहुत ही अच्छे माइनक्राफ्ट के प्लेयर हैं और इनकी पीवीपी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। सो गाइस मैं बता दूं लिविंग लेजेंड एक अंडररेटेड लेजेंड भी है क्योंकि इनकी पीवीपी स्किल्स और इनका गेम प्ले इतना ज्यादा अच्छा है फिर भी आज के दिन में इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। बट वेल अभी तो इनका यूट्यूब करियर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है क्योंकि अभी एक SMP में भी है जिसका नाम है रिट्रीब्यूशन SMP और वो SMP भी एक लाइफस्टाइल SMP है जहाँ पे ये बहुत ही मस्त मस्त लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं जिससे इनकी ऑडियंस इनको बहुत सारा प्यार भी देती है और अभी तो इनका खुद का भी एक फैन बेस बन चुका है। बट अगर आप इन्हें पहले से जानते हो तो आपको पता ही होगा इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपने यूट्यूब करियर में और अब फाइनली ये इस मुकाम पे आ गए हैं कि इन्हें इंडिया के टॉप 5 बेस्ट पीपीएस की लिस्ट में गिना जाता है। बट अगर आप इन्हें पहले से नहीं जानते हो तो मैं आपको इनकी एक ऐसी क्लिप दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद आप जरूर से इन्हें जान जाओगे। I don't need no molly to be savage. When I'm on that molly, I feel savage. She the definition of a bad bitch. Stole her. I'm the definition of a bandit. So yeah, ये क्लिप देख के तुम्हें ये तो पता चली गया होगा कि आखिर उन्हें क्यों underrated legend कहा जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ और जो प्लेयर नंबर 4 पे आता है वो है निस गेमर। अब देखो निस गेमर को नंबर 4 पे देखकर एकदम से ऑफेंड मत हो जाना। वैसे तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छी पीवीपी करते हैं बट मैंने उन्हें नंबर 4 पे बस इसीलिए रखा है क्योंकि उन्होंने पीवीपी छोड़ दी है। अगर वो आज पीवीपी करते तो नो डाउट वो नंबर 2 या नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करते हैं बट क्योंकि उन्होंने पीवीपी छोड़ दी है सो अभी वो फिलहाल नंबर 4 की पोजीशन डिजर्व करते हैं। और वो कितने अच्छे प्लेयर हैं माइनक्राफ्ट के और ये पोजीशन क्यों डिजर्व करते हैं ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं जल्दी से उनकी एक क्लिप देख लेते हैं। To the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it. Having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. वेल आपको उनका ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ और जो प्लेयर नंबर 3 की पोजीशन डिजर्व करता है वो है गेमर फ्लीट। सो यार नो डाउट कि गेमर फ्लीट भैया नंबर 3 की पोजीशन डिजर्व करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे माइनक्राफ्ट प्लेयर हैं और इनकी पीवीपी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं और ये चीज हमने इनकी देखी भी है। जब भी हेरोबन एसएमपी में थे तो ये बहुत अच्छा पीवीपी करते थे और जब हेरोबन एसएमपी में वॉर्स होती थी तो कभी कभी ये 1v2 और 1v3 की सिचुएशन भी आराम से हैंडल कर लेते थे। और वैसे भी मैं जो आपको ये टॉप 5 की लिस्ट दिखा रहा हूँ ये पूरी बेस्ड है मेरे ओपिनियन पे, ये कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। सो प्लीज इसे दिल पे मत लेना। और वैसे भी बहुत से लोग तो गेमर फ्लीट भैया को पीवीपी गॉड भी बोलते हैं बट मैंने उन्हें यहाँ पे नंबर 3 की पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि जो प्लेयर नंबर 2 और नंबर 1 पे है वो इनसे पीवीपी में थोड़ा सा बेटर है। सो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा इनके क्लिप की तरफ।
वेल, मैंने तो यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाई है, बट ये इससे भी बहुत ही अच्छी पीवीपी कर लेते हैं। सो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, और जो प्लेयर नंबर टू की पोजीशन डिजर्व करता है वो है नन अदर देन स्मार्टी पाई। सो देखो, मैंने स्मार्टी पाई को नंबर टू पे इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ पीवीपी में ही नहीं बल्कि पार्कोर और एमएलजी में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इनका ओवरऑल गेम प्ले का तो क्या ही कहना, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेयर है। बट क्योंकि ये जिस टाइप का कॉन्टेंट बनाते हैं उसमें पीवीपी का रोल बहुत ज्यादा कम है, और यहाँ पे हम पीवीपी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ पीवीपी का फैक्टर लेते हैं तो जो प्लेयर नंबर वन पे है वो स्मार्टी पाई से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। बट स्मार्टी पाई जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं हिमलैंड्स का, उसमें एंटिटीज होती हैं और एंटिटीज के सामने पीवीपी का कोई भी रोल नहीं होता है क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर होती है जिससे आपकी पीवीपी स्किल्स कोई भी काम नहीं आएंगी। तो यार उनके लिए नंबर टू पोजीशन ही बेस्ट है। तो चलो अब जल्दी से स्मार्टी पाई की भी एक बढ़िया सी क्लिप देख लेते हैं। You're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? सो या गाइस, यहाँ पे तुम लोगों ने स्मार्टी पाई भाई की भी क्लिप देख ली है, तो अब चलते हैं अपने नंबर वन प्लेयर की तरफ। सो आखिर वो कौन सा प्लेयर जो कि नंबर वन की पोजीशन डिजर्व करता है, उसे जानने से पहले आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कैसे हम आपकी मॉन्स्टर एसएमपी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो गाइस, मॉन्स्टर एसएमपी की एप्लीकेशन फिर से ऑन हो चुकी है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ गाइस, मैं परसों शाम को 7 बजे अपने डिस्कॉर्ड पे टॉक शो भी करने वाला हूँ। सो अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो या फिर अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरे टॉक शो में जरूर आना। तो चलो अब मैं आपको फाइनली बता ही देता हूँ कि आखिर वो कौन सा प्लेयर है जो कि नंबर वन की पोजीशन डिजर्व करता है। सो गाइस, उस प्लेयर का नाम है सेनपाई स्पाइडर। देखो, नो डाउट सेनपाई स्पाइडर की पीवीपी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं और वो बहुत ही अच्छा पीवीपी प्लेयर है, और वो इंडिया के टॉप पीवीपी प्लेयर्स में से आता है, और वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है क्योंकि वो लापता एसएमपी में है, और लापता एसएमपी एक लाइफ स्टाइल एसएमपी है, और सेनपाई ने लाइफ स्टाइल में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाए हैं, और लाइफ स्टाइल में जितने भी मेंबर्स हैं वो सेनपाई को एक डेडलीस्ट प्लेयर की तरह लेते हैं, और यही रीजन है कि आज सेनपाई स्पाइडर इस लिस्ट में नंबर वन पे है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सेनपाई स्पाइडर की भी एक क्लिप देख लेते हैं। Living a golden experience. My life too lit, it's delirious. I keep that star on my back. Look at my face, can't fear shit. Built to the top like a pyramid. My lineage lit and it's serious. Bring the beat, life like Giorno. Young gang star, flip the kill switch. Jojo, pose, pose. So guys, यही थी सेनपाई स्पाइडर की ओपीसी क्लिप, और यहाँ पे मैंने सारी आपको बेस्ट प्लेयर बता दिए हैं। बट गाइज, मैं इस चीज को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो पूरी लिस्ट थी ये मेरे ओपिनियन पे बेस्ड थी। सो अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर छूट गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम उसे लेने का जरूर से ट्राई करूंगा। और कुछ प्लेयर्स को तो मैंने जानबूझ के ही छोड़ दिया है क्योंकि वो प्लेयर्स खेलते तो अच्छा है बट उन्हें पीयूपी से ज्यादा इंटरेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी में है। सो या हू केयर्स। सो बस गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, आप चाहते हो मैं इसे फ्यूचर में कंटिन्यू करूं, तो मेरे को कमेंट में फीडबैक दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। कुछ चादरों की सलवटों में ख्वाब मेरे नब से गए, हाजिरी लगाना भूला क्लास ले रहा कब से नहीं, आगे मुंदी सो गया मैं, ख्वाब मेरे फिर से वही, मंजिलों पे पहुंचाना गिरा पर उनकी छत से कई।